वेलकम टू माय चैनल गेट अप एंड कुक। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पॉन्जी रवा ढोकला। स्पॉन्जी रवा ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप रवा लिया और 1/2 कप खट्टा दही लिया है और उसे मैं रवा के साथ में मिक्स कर दूँगी और उसी के साथ में थोड़ा मैं पानी ऐड करूँगी। इसमें पानी ऐड करके और उसे मिक्स करके मैं देख लूँगी कि पानी और चाहिए या नहीं। यहाँ पर वो थोड़ा थिक था तो मैंने थोड़ा पानी और ऐड कर दिया है। अब इसे मैं सही से फेंट लूँगी, इसमें कोई भी गांठें या लम्स ना रह जाएं। इस तरीके से उसे सही से चला लीजिए। तो यहाँ पर सही से मैंने उसे चला के देख लिया है। अभी मैं उसे खट्टा करने के लिए उसी के साथ में उसमें 1 नींबू निचोड़ दूंगी। दही उतना खट्टा नहीं था कि ये खट्टा हो पाए, इसलिए मैं उसमें नींबू ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने पूरा नींबू डाल दिया और उसे मिक्स करके 15 मिनट रेस्ट के लिए मैं उसे रख दूंगी। अभी 15 मिनट के बाद मैंने उसमें थोड़ा नमक डाल दिया है और उसे नमक को मिक्स कर लिया। इसी के साथ में मैं इसमें इनो ले रही हूँ और इनो का 1 पैकेट मैं उसमें ऐड कर दूंगी और उसे ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो इनो का असर नहीं रहेगा। इस तरीके से थोड़ा सा मैंने उसको मिक्स कर दिया। अभी यहाँ पर मैंने ढोकला की प्लेट को ग्रीस कर दिया है और इसे बैटर में मैं डाल दूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर लेकर मैं उसमें डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। एक कढ़ाई में मैंने पानी गर्म होने रख दिया था, वो जब बॉयल आने लगेगा तो जो प्लेट्स हैं वो मैं इसमें रख दूँगी। तरीके से मैंने उसमें रख दिया और कवर करके फिर थोड़ी देर पकने दूँगी। फिर मैं उसे खोल कर देख लूँगी। तरीके से मैं चेक कर रही हूँ कहीं अगर गीला तो नहीं है। अभी वो हो चुका है, प्रॉपरली पक चुका है। अभी मैं उसे उतार कर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब वो प्रॉपरली ठंडा हो जाएगा तब मैं इस तरीके से उन्हें पीसेस में काट लूँगी और इसी तरीके से सारे ढोकले में बना लूँगी। यहाँ पर मैंने तड़का के लिए उसमें थोड़ा तेल डाला और उसमें राई के दाने डाल दिए हैं। इसी के साथ साथ मैं इसमें करी पत्ता डाल रही हूँ और थोड़ी 2 ग्रीन चिलीज को मैंने काट के रखा था वो भी मैंने यहाँ पर उसमें ऐड कर दिए तड़के में। अभी थोड़ा सा मैं चलाऊँगी और उसके बाद तड़का रेडी हो जाएगा। और जो ढोकला बना कर रखे थे उन पर मैं उस तड़के को इस तरीके से डाल दूँगी। अभी आपके ढोकला रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।